हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घर में स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा और मेरा वीडियो देख के कि आपको ये किस टॉपिक पे आज वीडियो बनी। आज जो है, जो मैंने गोल वाली ककड़ी लगाई थी, जो मैंने घर पे गोल वाली ककड़ी मार्केट से ख़रीद के खाई थी और उसके शीट्स मैंने फेंके नहीं थे, मैंने अपने गमले में डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़े शीट्स बोरी में डाल दिए थे, तो गमले वाले तो नहीं उगे थे, लेकिन जो बोरी में थे जिसमें एयर वगैरह और धूप लग रही थी, वो शीट मेरा अच्छे से ग्रो हो गया था। और उसके पेड़ को आप देख सकते हैं, मैंने इसका दिखाया था, इसमें फूल भी निकल रहे हैं। ये गोल वाली ककड़ी है। ये देख रहे हैं कितनी लंबी जो है इसकी बेल हो चुकी है। ये मेरे हाथ में है, ये देखिए ये भी कितनी लंबी है। इसके फूल भी आपको दिख रहे होंगे। तो मैंने आपसे कहा था, जब मैंने इसको शीड लगाया तब मैंने आपको अपडेट दी। उसके बाद फिर मैंने जो है, जब फ्लावरिंग शुरू हुई तो मैंने अपडेट दी, देखिए फ्लावर्स इसके। अब ना थर्ड स्टेप क्या आता है कि फ्लावर के बाद फल बनता है। ये देखिए फल आप इसके देख सकते हैं। तो इस गोल वाली ककड़ी में पहले फूल आया और फूल के बाद अब फल निकल रहा है। तो मैं आपको, फल अभी बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है, एक एक मूवमेंट शेयर करना है इस गोल वाली ककड़ी का। क्योंकि बाकी जो है लोग, भिंडी है, थोड़ा सा करेला वगैरह, सब लोग अपने गार्डन में यूज़ करते हैं, लगाते हैं, लेकिन गोल वाली ककड़ी बहुत गार्डनर्स नहीं लगाते हैं कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी। बट मैं आप लोग को बता दूं कि ये भी आपके गार्डन में अच्छे से ग्रो हो जाएगी और उसमें फल भी निकल आएंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। मैंने इसको शीट से उगाया था, इसकी बेल कितनी लंबी है, कितने इसमें फ्लावर्स आए हैं, और इसमें ये देखिए दो जो छोटे छोटे से फल आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए एक ग्रीन है और एक फल येलो हो गया है। मुझे लग रहा है कि ये फल बड़ा नहीं होगा। अब ये चूँकि पहला फल था, वैसे भी नहीं खाते, तो अब ये ना सूख के गिर जाएगा और इसको देखते हैं ये बड़ा होता है कि नहीं। ये दो फल मुझे दिखे आज प्लांट में, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया और आप लोग को ये वीडियो बना के मैंने बताया कि फल और फूल दोनों इस ग्रो बैग में ख़रीदने नहीं गई थी। ये सीमेंट की बोरी थी, उसमें मिट्टी डाल के मैंने ये देखिए, और वाइपर का डंडा टूट रहा था उस पर मैंने उसके सहारे के लिए उसको यूज़ किया। ये देखिए मैंने कुछ भी मार्केट से नहीं परचेस किया, सब घर ही में जो था, जो फेंकने वाली चीज़ें थी उसी से मैंने ये उगाया है। तो अब देखते हैं, एक फल तो लग रहा है ये पीला हो गया है, तो ये तो नहीं निकलेगा, ये तो पक्का ही गिर जाएगा सूख के। लेकिन हो सकता है कि ये जो जो आपको ये ग्रीन दिख रहा है ना, ये वाला, ये ग्रीन फल शायद जो है बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो और शेयर करूंगी बना के। अभी तो ये छोटा है, अभी बच्चा है, बहुत प्यारा सा छोटू 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 दो हैं। तो इन दो छोटू को मैंने शेयर किया आपके साथ, और आप लोग और लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, और नए अपडेट्स शायद भिंडी के प्लांट में जो अगर फ्लावरिंग होगी तो उसका होगा, या फिर इसी की जो है ग्रोथ जब अच्छे से होगी ग्रीन वाले की, उसको मैं दूंगी आपको। क्योंकि ये तो अब टूट जाएगा, जो येलो हो गया है ये तो बेकार हो गया है। अब ग्रीन वाले को देखते हैं कि बढ़ता है कि ये भी सूख जाता है, फिर मैं आपको अपडेट दे रहूँगी। थैंक यू।